हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना सेठ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और एक वेज रेसिपी, वो है मशरूम और बेबी कॉर्न, चिली मशरूम बेबी कॉर्न। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सारे एक वो जो बॉक्स ऑफ मशरूम आता है वो एक पूरा बॉक्स ली हूँ एंड रफली चॉप कर ली हूँ, प्रेफरेबली बड़ा बड़ा ही, क्योंकि इसको फिर से ब्लेंच करना है। एंड ये है बेबी कॉर्न जिसको मैंने ऐसे स्लिट स्लिट कर लिया है। यहाँ पे कुछ बीन्स, लाइक 5 to 6 बीन्स को मैंने चॉप कर लिया एंड थोड़ा सा ही मैं गाजर ली हूँ, कैरेट, इसको भी जूलियन में काट लिया। एंड यहाँ पे कुछ कैप्सिकम एंड यहाँ पे अनियन, जिसका सिर्फ मैंने पेटल्स को ऐसे खोल खोल के लिया है, वो भी एक मुट्ठी भर पेटल्स। बाकी और भी ब्रोकलीज एंड कुछ भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं एज यू विश। एंड सॉसेज में यहाँ पे 1 tablespoon मैं सोया सॉस ली हूँ एंड 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस और कोई भी टोमेटो सॉस या सॉस डिप एंड थोड़ा सा चिली ऑयल। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज तेल में थोड़े से ड्राई चिलीज छौंक ले। एंड उस मैं कुछ डालूँगी कुछ ग्रीन चिलीज। अभी मैं इस बीन्स को, गाजर को, बेबी कॉर्न को एंड मशरूम को पानी में अलग अलग ब्लेंच कर लेंगे। सबसे पहले बीन्स एंड गाजर को डालूंगी, देन बेबी कॉर्न, देन लास्ट में इसको थोड़ा सा ब्लेंच कर लूंगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। पैन में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं है, बटर में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल में ही बनाऊंगी। इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे एंड मैंने वेजिटेबल्स को ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा नमक देके ब्लांच करके रख दिया है। ऐड कर दूंगी चिलीज, जस्ट थोड़ा थोड़ा स्लिट, ज़्यादा स्लिट नहीं, क्योंकि बीन्स डाला हुआ है, समझ में नहीं आएगा कि चिली है या बीन्स है। ये चिली जैसे ही सॉटे हो जाएगा, फ्लेम को कम करके ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा सॉल, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा फ्लैटर करेगा। इसमें अभी ऐड कर देंगे कैप्सिकम, और ऐड कर दूंगी अनियन पेटल्स, फ्लेम को कम ही रखा है मैंने, इसको जस्ट थोड़ा सा चला के ही ब्लांच किए हुए वेजीज ऐड कर देंगे। ये यहाँ पे मैं सारे वेजीज को एक साथ ब्लांच करके रखी थी। इसको अभी सेम जिंजर गार्लिक में थोड़ा सा चलाएंगे, सो दैट जो सब्जी का हरा स्मेल है वो चला जाए। फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे। एंड सारे जो सॉस में दिखाई थी, 2 tablespoon ईच करके मैं एक अलग से बोल में इसको घोल के रखती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा ग्रेवी बनाएंगे। अगर स्टर फ्राइड बनाएंगे तो नो नीड ऑफ एडिंग कॉर्न स्टार्च। इसको मैं जस्ट 1 second के लिए ढक दी थी एंड इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा और 1 teaspoon ऑफ चिली ऑयल और 1 teaspoon ऑफ चिली ऑयल। अगेन इसको मीडियम फ्लेम में चलाऊंगी। ये देखिए ऑलरेडी सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है एंड जो हरा स्मेल है वो भी चला गया है। सो इसको अभी और 5 minutes के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे लो टू मीडियम में। सो
वेजीज ऑलरेडी ब्लांच था तो ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी सारे वेजीज अपना अपना कलर चेंज भी हो गया है एंड काफ़ी ग्लिसरिंग भी लग रहा है कि शाइन, मतलब वेजीज अपना कच्चापन बहुत अच्छे से चला गया है। तो अभी इस पॉइंट पे फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे एंड इसको थोड़ा हाई फ्लेम में एक मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपका हीट टॉलरेंस ज़्यादा है यू कैन ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। ये देखिए हो गया है काफ़ी अच्छे से फ्राई। इस पॉइंट पे जो सॉस का मिक्सचर बनाई थी वो ऐड कर दूंगी फ्लेम को लो करके। अगेन सॉस एज पर योर टेस्ट, सोया सॉस, टोमेटो सॉस ऊपर नीचे, बट सोया सॉस बेस यू नो 2 टेबल स्पून इज ओके विद द क्वांटिटी, बट टोमेटो सॉस एंड बाकी सॉसेस आपके टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिए। तो एंड इसको अभी मैं इस सॉस डालने के बाद सारे अच्छे से मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी सो दैट जो सारे सॉस है इसमें अब्सॉर्ब हो जाए अच्छे से। बन के रेडी है चिली बेबी कॉर्न मशरूम। सो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। टिल देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।